नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, घर के इस दिशा में भूलकर भी ना लगाएं पेड़, वरना हो जाएगा ये नुकसान। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो मन की दुविधाओं को दूर कर देती हैं। कई सारे ऐसे सवाल हमारे जेहन में आते हैं जिसे लेकर उलझने बनी रहती हैं। तो आपके ऐसे ही सवालों के जवाब जी हिंदुस्तान के जरिए आचार्य विक्रमादित्य देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस दिशा में पेड़ नहीं लगाना चाहिए, घर के किस दिशा में कोई भी पेड़ नहीं लगाना चाहिए। गोरखपुर से जयदीप त्यागी ने व्हाट्सएप पर लिखकर हमसे सवाल पूछा कि घर के किस दिशा में कोई भी पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इस सवाल का जवाब आचार्य विक्रमादित्य ने दिया। उन्होंने बताया कि वास्तु के अनुसार घर के पश्चिम दिशा में किसी भी पेड़ लगाने से बचना चाहिए, जब तक कि ज्योतिषीय आधार पर आपको सलाह नहीं दी जाए, क्योंकि यह कोना राहु और यम का मिश्रित कोना माना जाता है, क्योंकि पूरा दक्षिण कोना यम का माना जाता है और दक्षिण पश्चिम कोना राहु का माना जाता है। आप महसूस करेंगे कि जल्दी कोने कोई पौधा नहीं लग पाता है, क्योंकि इस कोने में हमेशा निगेटिव एनर्जी का वास होता है। इसलिए घर के इस कोने में कोई भी छोटा वृक्ष या पौधा लगाना फलदायी नहीं होता है, उल्टे यहां तक कि आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। कंपक भी महसूस होती रहती है तो क्या उपाय करें। अलवर से पुलेंद्र गिरोत्रा लिखते हैं कि उन्हें कंपक भी महसूस होते रहती है, क्या करें, कोई उपाय बताएं। इस पर आचार्य विक्रमादित्य ने कहा कि आप वायु मुद्रा का नियमित अभ्यास कीजिए, इससे आपके शरीर में आंतरिक स्तर पर उष्मा पैदा होगी जिससे आपकी वायु बढ़ना बंद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन आप 15 मिनट वायु मुद्रा का अभ्यास करें, इससे आपको आराम मिलेगा। एक सावधानी और बरते कि आप भोजन के बाद नहाने से बचें, इससे शरीर का आंतरिक तापमान बिगड़ जाता है जिससे इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।